नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये दो जॉब को लेकर है। दोनों जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। दोनों परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, साथ ही सीखिए सही तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज मैं दो जॉब्स के बारे में आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो सबसे पहली जॉब है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया की तरफ से और दूसरी जो जॉब है वो है हाई कोर्ट की तरफ से। दोनों जॉब्स के लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों मेरा बनाने का मकसद यही है कि आप गलत जानकारी से बचें, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ में मैं देखता हूँ कि पूरी जानकारी नहीं दी जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि पूरी जानकारी देने की, तो इसलिए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जॉब के बारे में दोस्तों नज़र डाल लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया की तरफ से दोस्तों ये जॉब है, लखनऊ की ये जॉब है। सभी भारतीय इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो जॉब दोस्तों निकली है, इसमें ग्रेड पे आपको मिलेगा 1900 रुपये का, 20,200 के करीब आपकी जो है वो सैलरी रहने वाली है। सबसे पहले 19 जो है वो वैकेंसीज हैं, 11 अनरिजर्वड हैं, 3 एससी की, एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की 5 है। इनके लिए आपको अप्लाई करना है। ड्राइविंग लाइसेंस इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है, अगर आपके पास है और थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है आपको ड्राइविंग का, तो आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए और एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तभी रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके अलावा जो है आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 10वीं पास होना जरूरी है, उसके साथ जो है वो ड्राइविंग टेस्ट के थ्रू आपकी जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। यहाँ पे उन्होंने जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने 10वीं करी हुई है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको जो है एक टेस्ट देना है और आपको जो है अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना है। नीचे मैं आपको एक फॉर्म दिखने वाला हूँ, उस फॉर्म को डाउनलोड करके आपको फिल करके ये वाला एड्रेस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ पोस्ट मास्टर जनरल यूपी सर्कल हजरतगंज लखनऊ, तो यहाँ पे जो है आपको भेज देना अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ, सारे डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी, बाकी की डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। डाउनलोड करके जो अच्छी तरह से रीड करके अप्लाई जो है वो करिएगा। 24/12/2018 तक आपकी एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। तो दोस्तों बस यही था इस नोटिफिकेशन में, ये रहा जो है आपका फॉर्म जो आपको फिल करके भेजना है, ऑर्डिनरी सा फॉर्म है, आप यहाँ पे फिक्चर लगाइए और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके भेज दीजिएगा। अभी दोस्तों नज़र डाल लेते हैं दूसरी जॉब की तरफ। दूसरी जॉब दोस्तों जो निकली है वो निकली है गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कि आप जो है सभी भारतीय आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो है वो छोटी सी कंडीशन उन्होंने रखी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 16/11/2018 से लेके 27/11/2018 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और ऑनलाइन जो फीस सबमिट करनी है वो भी जो है आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सभी भारतीय इसके लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आपको असामीज भाषा जो होती है, असम की लोकल लैंग्वेज है, उसका जो है वो थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये ज़रूर जो है वो ध्यान में रखिएगा। 50,000 के करीब दोस्तों आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें ग्रेड पे रहेगा 5600 रुपये का, तो अप्लाई जो है आप कर सकते हैं। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने वैकेंसीज बताई गई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 158 है, यानी कि 158 वैकेंसीज है जो कि कैटेगरी वाइज जो है वो पटी हुई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए जो है वो जा सकते हैं। और वर्किंग नॉलेज जो है आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर की, अगर कंप्यूटर से संबंधित आपके पास कोई डिग्री है वो भी चल जाएगी, अगर नॉलेज है तो भी वो चल जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट दोस्तों आप देख सकते हैं मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 44 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी ओबीसी एसटी के लिए भी आपको एज जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम होगा ओएमआर बेस्ड शीट पे जो है आपका लिया जाएगा, जिसमें 50+ मार्क के ये क्वेश्चन होंगे, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाएगी, तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। बस असम की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए तभी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, 150 रुपये अगर आप एससी एसटी से हैं, पीडब्ल्यूडी को कोई फीस नहीं देनी है और बाकी जनरल कास्ट वालों को 300 रुपये की फीस जो है वो पे करनी है। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ कि अप्लाई जो है वो कैसे करना है। पहला का जो है वो तो ऑफलाइन मोड से करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। दोस्तों गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे जो है वो आना होगा, ये लिंक मैं ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन दिख रही है, आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। टर्न बाई टर्न ये सारे सेक्शंस को आपको पूरा करना है और आप अप्लाई कर पाएंगे इस जॉब के लिए।
सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।